फहमिदा बहन, इधर तो आइए जी। अच्छा ये तो बताएं, दुआ की तबीयत कैसी है? भाई बहन की शादी है और चहकने वाली बच्ची इस महफिल में नहीं है, मजा नहीं आ रहा। फिजा के पास होगी ना वो, मैं देखती हूँ। आप लोग बैठिए। अरे भाई ये तो बहाने बनाए जा रही हैं, अभी देखा था जो तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अभी बारात के आई थी ना तो दूल्हा की अम्मा से यही बहाने बना रही थी कि बीमार है बीमार है। तुम भी ना, हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो। अरे रहने दो, शक्ल नहीं देखनी थी कैसी घबराई हुई थी। कोई ना कोई बात जरूर है जो छुपा रही है। छोड़ो ना, शादी इंजॉय करो, देखो कितना अच्छा सेटअप है, देखो। हाँ सेटअप तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, काफी पैसा लगा दिया है। गाना भी अच्छा ही होगा। मैं तो उसके पास जा रही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। चली जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ चली जाऊंगी मैं? मैंने उस पर भरोसा किया, उससे मोहब्बत की और उसने मेरी जिंदगी में बात की थी। घर कैसे जाऊंगी? मेरे मामा मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा दफना देंगे वो लोग। कुछ नहीं होगा, तुम उनको सब कुछ सच बता देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। उठो और जाओ। फिजा बिनत असलम, आपका निकाह सरफराज वल्द नजीर अहमद के साथ बेवज हक महर 2 लाख रुपया तय किया जा रहा है, क्या आपको इनका मंजूर है? हाँ बोलो बेटा जी, कबूल है। सरफराज अहमद वल्द नज़ीर अहमद, आपका निकाह फिजा बिनत असलम के साथ बेवज हक महर 2 लाख रुपए तय किया जा रहा है, आपको निकाह कबूल है? एक मिनट सरफराज। क्या हुआ कौसर बहन? नज़ीर वी, क्या हो गया? जरा चलिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भी बाद में भी हो सकती है, निकाह क्यों रुकवा दिया? जरा चलें तो सही। क्या बात है कौसर, तुमने निकाह क्यों रुकवा दिया? ये हक महर के 2 लाख रुपए किसने लिखवाए हैं? हम तो घर से 50,000 रुपए तय करके निकले थे ना। 50,000 रुपए तुम्हारी सलाह थी, मैंने मानी नहीं थी, और आजकल के जमाने में 50,000 से बनता क्या है? चलें, काजी साहब को बोलें कि 2 लाख काट के 50,000 लिखें। मैं ऐसा हरगिज कुछ नहीं करूंगा। चंद हजार के लिए तुम खामखा निकाह में रखने डाल रही हो, चुप करके जाओ और बैठो वहां पर। चंद हजार? पूरे 2 लाख हैं, 2 लाख। कौसर मैंने तुमसे कहा ना, चुप करके वहां पे जाके बैठो और बीच में अब दखलंदाजी मत करना। चलो निकाह को होने दो, चलो। कुछ नहीं, जरा जरूरी बात करनी थी मेरे।
बिस्मिल्लाह कीजिए। सरफराज वल्द नजीर अहमद आपका निकाह फिजा बिनत असलम के साथ बेरोज़ हक के महर 2,00,000 रुपए तय किया जा रहा है, क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है आपको निकाह? जी कबूल है। बहुत अच्छी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, इतनी प्यारी बीवी मिलेगी मुझे। कहाँ भागे जा रही हो? ठीक है। घर? कौन सा घर, कैसा घर? वो जो तुम्हें लेकर आया था ना, वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। आज से यही तुम्हारा घर है। चलो अंदर। प्लीज मुझे मेरे घर जाने थे, मुझे यहाँ पर छोड़ के प्लीज मुझे जाने थे। तुम्हारा महबूब ना तुम्हें बेच कर गया मेरे पास, पूरे पैसे गिनती करके। आप झूठ बोल रही हैं। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, कान खोल कर सुन लो। वो पूरी कीमत लेकर गया है, आज से तू मेरी है। आज ऐसे नहीं कर सकता, अब मुझे जाने देना, मैंने घर जाना है। अब मम्मा इंतजार कर रही होंगे, बहुत 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 डांटेंगे, बहुत मारेंगे। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे याद नहीं रहना, मुझे प्लीज जाने दे। जितनी जल्दी हो सकता है ना, इस बात पर यकीन कर लो। चल रीना, लेके जाए इसे अंदर। प्लीज 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 मुझे नहीं जाना। ताना लेकर जा इसे। मुझे नहीं जाना। चल इसे देख। एंडी भागो यहाँ से, पुलिस की रेड पड़ गई है, जल्दी भागो यहाँ से। रेड तो पड़ेगी तेरे पे, काम आ गया तू। अरे चलो सारा कमरा वो चेक करो, हर कमरे में सिलेंडर। ताल्लुकात है, कोई नहीं जाएगा यहाँ। अरे देख लेंगे तुम्हारा ताल्लुकात भी जब थाने जाओगी।